कितना किलोमीटर? ये अभी तक चल चुका है आपका 12,000 किलोमीटर। थोड़ा दिखाएंगे तो? छूट बोल रहे ना सर, इसका गारंटी नहीं है गाइस, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। और इधर ही मैं पकड़ा गया, मैंने इसको चलाया 10,678 किलोमीटर और 12,000 बोल रहा था गाइस, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। सर इससे पहले आप और एक वीडियो में देखा होगा, और एक एंटॉक का इसने रिव्यू किया था, तो उसने और मैंने एक साथ लिया था। सो गाइस, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो जाके देखिए, वो मेरा चैनल में है, एंटॉक फुल मोटिवेशन का है, वो भी 125 ही था, लेकिन वो एक्सपी एडिशन का था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका भी। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मेरा स्कूटी है फुल ब्लैक, फुल ब्लैक, और ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि सबके पास है, सबके पास होगा ही, और ये फुल ब्लैक है। तो कुछ ही दिनों में मैं रैप करने वाला हूँ, तो उसके वीडियो के लिए आपके भाई के चैनल में मिल जाएगा, तो कुछ दिन के लिए आप करिए वेट। सो गाइस आज फिर से आ चुका है हम लोग रिव्यू ब्लॉग में, आज करेंगे हम लोग ये एंटॉक का रिव्यू ब्लॉग। सो मेरा साथ है आज बहुत ही जाना पहचाना हम लोग का साथी, आप तो पहचानते होंगे उसे, तो मैं आपको उसे मिलाना चाहता हूँ। सो गाइस, सो भाई लोग कैसन बा खबर सब, मैं यही उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों बाद मुझे, मैं बाहर गया था मतलब लद्दाख राइड पे, तो लद्दाख राइड पे साइकिल से गया था, तो आज आया हूँ रिटर्न। तो भाई ने कॉल किया था, बोला कि भाई वीडियो बनाना है, तो चलिए बनाते वीडियो। सो गाइस ये तो इंट्रोडक्शन किया ही नहीं है, तो इसका भी इंट्रोडक्शन लेता है। सो आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आपको। तो गाइस आप तो जानते होंगे मेरा नाम है रबीउल अली, इससे आगे क्या कहूँ, पूरा आसाम जानता है मुझे, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो आपके पास कौन सा गाड़ी है? मेरे पास है एंटॉक 125 G900, देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत खतरनाक मॉडिफिकेशन किया है, बढ़िया से एकदम देख सकते हैं आप। ये दिखता स्कूटी है लेकिन इंजन मैंने लगवाया है कावासाकी G900 का, दिखता नहीं है क्योंकि इंजन तो अंदर रहता है, आप लोग को मालूम ही होगा। सो आप जो ये लाइट में जो ये ब्लू कलर का लगाया है, ये कहाँ से लगाया है आप? ये लगाया मैंने सोनापुर से, दुकान का नाम याद नहीं और मैं बोलूंगा भी नहीं, जाना ही नहीं है उधर, अब घाटी चला जाइए इससे अच्छा। गाड़ी स्टार्ट कर। ये आप कितने में चेंज किया था? मैंने इसको चेंज करवाया है आपका, ये हो जाता है आपका, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। याद नहीं आ रहा है, आधा घंटा में हम जरा याद करके बोलेगा आपको। सो गाइस गाड़ी जो है पूरा मस्त मेंटेनेंस किया है ये। अब कब ये गाड़ी कब लिया था? इसको मैंने लिया था February 20 में, फिर आज February 20 में कितना साल? एक साल होने को है इसको, अगले महीने 20 तक ये एक साल का हो जाएगा, मेरा राजा बाबू है। इसको आप राजा बाबू नाम दिया है। सो ये माइलेज कितना तक देता है, पहले बात तो ये है? माइलेज ये देता है 35+ तक, फिर 35+ तक देता है ये माइलेज, 35+, लेकिन सिटी में जाए तो काम नहीं है, 25-20 अप्रोक्स। सो रबीउल ये आप कितना में लिया था? इसको मैंने, ये मेरा पड़ गया सब पूरा टोटल 1,35,000। 1,35,000। सो ये आप कहाँ से लिया था? ये डायरेक्ट शोरूम से, जो इधर लोकल एरिया सब में आते हैं, तो उधर से मैंने परचेज किया था, जो एक्सपो जैसा होता है उस सब से लिया था। इससे पहले आप और एक वीडियो में देखा होगा, और एक एंटॉक का इसने रिव्यू किया था, तो उसने और मैंने एक साथ लिया था, उसका भी एक साल हो गया है, मेरा भी एक साल होने, वो जो आफ्ताब का था ना, आफ्ताब का। सो गाइस अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो जाके देखिए, वो मेरा चैनल में है, एंटॉक फुल मोटिवेशन का है, वो भी 125 ही था, लेकिन वो एक्सपी एडिशन का था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसका भी फुल रिव्यू ब्लॉग दिया गया है, आप चेक करिएगा। वो है एक्सपी एडिशन, ये है सुपर स्क्वाड एडिशन फुल ब्लैक, ये मेरा राजा बाबू। सो गाइस आप देख सकते हैं गाड़ी जो है क्या बनाया गया है गाइस, पूरा फुल ब्लैक, पूरा फुल ब्लैक आप देख सकते हैं इसको, मैं पूरा चारों तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, पूरा फुल ब्लैक।
जो भी कहेगा इस, मुझे सबसे प्यारा जो लगता है ना, मीन्स सबसे दिल लेलाते वाला वो है ये वाला। इसका जो हेडलाइट है गाइस ये पूरा ब्लू कर दिया। इसका कितना में चेंज मतलब वो किया है उसको पता नहीं है गाइस, क्या मस्त है। लेकिन आप देख सकते हैं इधर से। सो आपका ये एक साल होने वाला है आपने कहा था ना, तो आपने इसमें आपने कितना किलोमीटर चलाई है, कितना किलोमीटर? ये अभी तक चल चुका है आपका 12,000 किलोमीटर। सर दिखाएंगे तो छूट बोल रहे ना सर, इसका गारंटी नहीं है गाइस, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। और इधर ही में पकड़ा गया मैंने इसको, चलाया 10,678 किलोमीटर और 12,000 बोल रहा था गाइस, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। सो गाइस क्या बोलूं, और आप देख सकते हैं कि आपका स्कूटी का साउंड मुझे सुनाएंगे तो, क्योंकि इसका साउंड जो है गाइस मस्त है। गाइस जो भी बोलो, साउंड एंटोक का ही सबसे बेस्ट है ना। आप बाइक क्यों नहीं लिया और ये क्यों लिया? मैं ये साल मार्च में मैं लेने वाला हूँ बाइक, तो वन एंड ओनली इन 15 माइल होगा, सुपर बाइक लेने वाला हूँ। सेकेंड है नहीं सही, लेकिन लेने झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। सो रुबियुल, इसमें बुराई और इसे अच्छा में क्या है, मतलब आपका बुराई वही है कि तेल बहुत पीता है, ये तो सबको पता ही होगा आप लोग को, लेकिन इतना मतलब पता नहीं चलता है, क्योंकि अब डेली बेसिस पे भरते रहोगे तो पता नहीं चलेगा आपको। तो फिर इसका अच्छा ये है कि गाड़ी भागता बहुत है, मज़ा आ जाता है। तो मतलब आपको ऐसा इतना पता नहीं चलेगा कि आपको बाइक चला रहा है कि आप स्कूटी चला रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है। इससे अच्छा आप एरोक्स ले लीजिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि एरोक्स लेने का, लेकिन नहीं, एरोक्स के दाम पे मुझे बाइक मिल जाएगा तो मैं बाइक ले लूँगा। तो भी सुपर बाइक? या सुपर बाइक। तो इसका ब्रेक्स सब ठीक रहता है? ब्रेक ठीक है, 12,000 किलोमीटर पे आपको ब्रेक्स चेंज करना पड़ता है, फिर एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है, लेकिन मैं 10,000 में ही चेंज कर दिया। रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने ये साइड का, फिर ये फेयरिंग, ये सब चेंज करवा दिया। अभी सिर्फ मतलब शोरूम पे ये डबल स्टैंड का स्टॉक नहीं है, और ये मेरा ये चीज़ का स्टॉक नहीं है, तो ये भी कुछ दिनों बाद मैं लगवाने जाऊँगा, वही है, बाकी गाड़ी ठीक है। सो लोग सर्विस कैसा देता है आपको? सर्विस बहुत बढ़िया सर्विस है उन लोग का। आप कहाँ से सर्विस कराता है? मैं कराता हूँ बेलतला से, उन लोग का उधर एक ब्रांच है, तो उधर ही से मैं कराता हूँ सर्विस। सो आप एक सर्विस में आपका कितना गिर जाता है? अगर सर्विस की बात करें तो अभी मतलब 4 सर्विसिंग फ्री होता है, तो उसमें मेरा सब चेंज करवा के 1500 से 1200 रुपया पड़ जाता है, वही। अगर आपका फ्री सर्विसिंग ख़त्म हो गया तो आपका अंदाज 3,000 रुपीज़ जैसा हो जाएगा। 3,000? तो आप साल में कितना बार कराता है सर्विस? ऐसा तो 4 बार कराना चाहिए साल में मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। साल में आपका 4 सर्विस हो जाता है, और वो फ्री 4 साल का फ्री सर्विसिंग ख़त्म होने के बाद फिर आप अपना पॉकेट से भरो, पैसा है तो भरो, नहीं है तो लोकल में कराओ। और आपका पास तो पैसा दस्ती है भाई। या यो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। तो मेरा दोस्त को मैं आपको मुलाकात कराना चाहता हूँ। रुबियुल आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ, आप इसका वीडियो डेली देखता है, व्यूज भी ठीक ठाक आता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए भाई को। मैं चाहता हूँ ये पूरा एकदम आगे बढ़ जाए, और हम लोग का मतलब ये सोसाइटी नहीं बोलता है, मतलब हम लोग का जगह का नाम रोशन करे एकदम। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं एकदम।